अभी इस 2022 में आपके पॉकेट में एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन जरूर रहता है, वहाँ आपको इनबिल्ट एक कैमरा मिलता है। उसका यूज़ दोस्तों आप जनरली दो तरीके से करते हैं, पहले तो फोटोग्राफी हो गया, फिर दोस्तों वीडियोग्राफी, कहीं पे कुछ भी देखा उसको शूट कर लिया या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मल्टीपल यूज़ भी हो सकता है, उसी के साथ साथ जो यूज़फुल भी हो। तो चलिए 6 ऐसे मल्टीपल और यूज़फुल यूज़ ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरा, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव होगा। रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के साथ अपन तक जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, अगर आप नए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। तो अब चलिए दोस्तों सीधे मूव करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरा एक पोटेंशियल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करता है। अगर आप कोई भी चीज़ को मैग्नीफाई करना चाहते हैं, सिंपली दोस्तों आप कैमरे को वहां ले जाए, फिर दोस्तों इस तरह आप जूम करें, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं छोटे से छोटे चीज भी आपको मैग्नीफाइंग ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट यूज ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरा एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सेकंड यूज दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग है, इसको आप एग्जांपल से समझे। आपके पास एक रिमोट है जिसका बैटरी कभी कभी चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, तो आप किस तरह चेक करेंगे दोस्तों? आप बैटरी को खोल के पता नहीं कर पाएंगे बैटरी खत्म हो चुका है। सिंपली आपके पास जो रिमोट है आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरे के सामने इस तरह आप रखें, फिर दोस्तों आप पावर बटन को इस तरह ऑन करें। अगर दोस्तों आपके रिमोट में बैटरी एग्जिस्ट करता है तो दोस्तों यहाँ आपको एक पिंकिश लाइट देखने को मिलेगा। जनरली दोस्तों नॉर्मल आई में दोस्तों ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरा को एज ए रिमोट बैटरी चेकर भी यूज़ कर पाएंगे। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अलावा अब जो मल्टीपल एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरा यूज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके लिए लाइफ सेवर भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरे में एक लोकेशन शेयरिंग ऑप्शन होता है, अगर आप सेटिंग सेक्शन में जाके ये वाले सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं, फिर दोस्तों आप लोकेशन को ऑन करके अगर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फोटो को क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर फोटो में आपका लोकेशन डिटेल्स भी सेव हो जाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपको ब्लूइश ऑप्शन में मिल रहा है। सिंपली अगर यहाँ आप टैप करते हैं तो इस फोटो के जरिए दोस्तों आपका लोकेशन भी पता किया जा सकता है। अगर आप कुछ ऑड सिचुएशन में फंस जाएं तो ये लाइव सेव ऑप्शन जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरे में दिया जाता है दोस्तों, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन एक पोटेंशियल मिरर भी होता है, इसका यूज हमेशा ही आप करते हैं आपके हेयर स्टाइल या दोस्तों आपके फेस के ऊपर कोई ऑयल वॉयल है या आपको थोड़ा सा मेकओवर की जरूरत है कि नहीं दोस्तों, एंड्रॉयड स्मार्टफोन को यूज करके दोस्तों ये भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जानते हैं दोस्तों अगर आप कोई भी होटल में जाके रह रहे हैं, आपके प्राइवेसी के लिए आप चेक करना चाहते हैं उस होटल के कमरे में अगर कोई कैमरा छुपा हुआ है कि नहीं, उसको भी आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरे पे चेक कर सकते हैं। अब आखिर वाला जो यूज मैं आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरा का बताने वाला हूं दोस्तों, ये आपका लाइफ को थोड़ा सा ईजी कर देगा। हर कैमरे में दोस्तों ये फीचर रहता है, कोई भी चीज को आप देखे हैं उसको परचेज करना चाहते हैं लेकिन आपको प्राइस डिटेल्स नहीं पता है और कहां आपको खरीदने को मिलेगा यह भी नहीं पता है। यहां दोस्तों सिंपली जिस प्रोडक्ट को लेके आप बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, उसको परचेस करना चाहते हैं, उसका एक पिक ले लें या फोटो ले लें, फिर दोस्तों आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, यह गूगल कैमरा का ऑप्शन है दोस्तों। जब भी आप टैप करेंगे वो कलर के साथ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस ऑफिशियल वेबसाइट में या वेबसाइट में आपको मिल रहा है, प्राइस पॉइंट क्या है, सभी दोस्तों आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो यही थे दोस्तों 6 यूजफुल और मल्टीपल यूज ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरा। होप ये यूजफुल यूज ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरा आपके लिए भी यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो अब चलिए दोस्तों बहुत हो गया बकबक, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन लेके।